अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पैरट जो हैं उसकी टांग का फ्रैक्चर हो गया या आपका कोई भी बर्ड है उसकी टांग का फ्रैक्चर हो गया तो हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे और उसकी बैंडेज कैसे करेंगे। ये मेरे पास अपनी एक पुरानी वीडियो पड़ी थी तो मैंने सोचा कि व्यूवर्स के साथ ये भी शेयर करनी चाहिए। चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि हमें आयोडेक्स लेनी है। आयोडेक्स की हमने अच्छे से मालिश करनी है अपने पैरट की टांग के ऊपर, और उसके बाद हमने क्या करना है कि आपने कुछ भी स्टिक्स लेनी है। मैं स्टिक्स ले लें, मतलब माचिस की तीलियां ले लें या कोई भी इस तरह की स्टिक्स ले लें, उनको छोटी छोटी काट के और रख लें। उसके बाद आपने इस तरह की टेप लेनी है, आपने मैं स्टिक्स को इस तरह ऊपर लगा देना है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बैंडेज तैयार करके रखी है। सबसे पहले आपने इस तरह से एक बैंडेज बनानी है। उसमें क्या करना है, आपने टेप लेनी है और ये स्टिक्स जो हैं आपने इस तरह लगा देनी है एक सीक्वेंस में, और उसके बाद ऊपर थोड़ी सी कॉटन रखनी है ताकि आपका जो परिंदा है उसकी टांग को सपोर्ट मिले और जो स्टिक्स हैं उसे लगे नहीं। उसके बाद आपने उसके ऊपर थोड़ी सी आयडेक्स लगा देनी है और थोड़ी सी मालिश जो है आपने परिंदे की टांग के ऊपर भी कर देनी है, और उसके बाद इसको आपने अपने बर्ड की टांग पर अप्लाई कर देना है। इस तरह से ये ईज़िली आप लगा सकते हैं और इससे आपके जो बर्ड होगा उसकी टांग को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। और आपने एक हफ्ते तक इस बैंडेज को नहीं उतारना, उसके बाद आपने दोबारा बैंडेज चेंज करनी है इसी तरह से। और इसके अलावा आप हल्दी और तेल को गर्म करके वो भी एक एक ड्रॉप अपने बर्ड की टांग पे लगाते रहें, और दो हफ्ते बाद आपने बैंडेज को उतार देना है और हल्दी और तेल लगाते रहना है। अगर आपके बर्ड को बुखार है या दर्द हो रहा है तो आप पेनाडोल का ये सिरप जो है ये दे सकते हैं एक ड्रॉप, या आप ब्रूफिन का सिरप भी दे सकते हैं। और ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद जो है बर्ड जो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, उसका जो था लीवर, मतलब वो इफ़ेक्ट हो रहा था मेडिसिन की वजह से, और उसके बाद हमने फिर जो है जेटी पार का सिरप लिया जो कि लीवर टॉनिक है। इसके बाद जो है हमने जेटी पार का सिरप लिया, ये जो है ये लीवर टॉनिक है, ये आपने रोज़ाना एक ड्रॉप देना है बर्ड को 3 दिन तक, क्योंकि बर्ड की जब हम मेडिसिन बहुत ज़्यादा देते हैं तो उसका जो लीवर होता है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ये सब था कि हमें अपनी बर्ड की अगर टांग का फ्रैक्चर हो जाए तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।